हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अंगूरी पराठे की रेसिपी, ठीक है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ठीक है, बनाने स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक का प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज अंगूरी पेठा, ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें एक पेठा लेना है, देख सकते हो आप, इस तरह का पेठा लेना है हमें, ये मार्केट में मिल जाता है, और ये आपको पका हुआ ही लेना है। ठीक है, पके हुए की मिठाई बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, और फिर इसको हम धो के कट कर लेंगे। देखिए कि मैंने धो लिया है, कट कर लिया है, मैंने इसका बीज ले लिया है, एक स्लाइस काट ली इसकी, देख सकते हो इस तरह की। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरह का हम कटर लेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसको साइड में इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद हम इसको हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आराम आराम से निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, देखिएगा हमारा निकल चुका है। इस तरह से हमें सारा का सारा निकाल लेना है, देखिए मैंने निकाल लिए हैं, और इसका बीच का जो पार्ट्स है हमें वो नहीं लेना है, हमें सिर्फ साइड का लेना है। तो मैंने देखिए साइड से निकाल लिया है इन्हें। फिर हम क्या करेंगे, एक फ़ॉर्क लेंगे, फ़ॉर्क की हेल्प से इसमें हम छेद करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें सारे के सारे अपने जो पेठे हमने निकाले थे ना उसमें से, उसमें सब में हमें इस तरह से छेद करना है फ़ॉर्क की हेल्प से। ठीक है, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर देखिएगा मेरा जो एक बचा था मैंने वो साइड कर दिया, उसमें मैंने किया नहीं है, ये देखिएगा मैंने सब में कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से आपके सारे पेठे में आपको छेद कर लेने हैं, मैंने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉयल लेंगे, उसमें एक चम्मच देखिएगा मैंने खाने वाला चूना लिया है। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, इस पानी में, पानी आपको उतना लेना है जितना हमारे पेठे हैं वो सतरे, आपको इतना पानी और इतना बड़ा बर्तन लेना है। चूने को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, ये अच्छे से पानी में घुल जाए। ठीक है, ये खाने वाला चूना है। ठीक है, आप इसे लीजिएगा, इसमें मिक्स करिएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको अब क्या करना है, हमें अच्छे से मिक्स हो गया है हमारे जो पेठे हैं, पेठों को हम इसमें डालेंगे सारे के सारे, और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक कर इसे हम रात भर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, फिर हम सुबह देखेंगे। देखिएगा मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था, ये देखिएगा सुबह इस तरह के नज़र आएंगे आपको, देख सकते हो। और अब क्या करना है आपको, अब इस पानी को हमें कम से कम 10 से 15 बार इसे साफ पानी से इसे धो लेना है हमें, इसमें हमें चूने का पानी ना रहे, इसलिए हमें 10 से 15 बार इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। ठीक है, वॉश करने के बाद इसका पानी बिल्कुल ना रहे, ये देखिएगा मैंने इन्हें वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो साफ़ हो गए हैं मेरे, इसमें चूने का पानी नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल। अब हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें पानी गर्म होने रख दिया था, हमारा पानी गर्म हो गया है, और उसमें हमने अपने सारे के सारे पेठे इसमें डाल देंगे, और हमें गैस का जो है आंच मीडियम रखनी है। ठीक है, और सारे के सारे पेठे इसमें डाल के हम अच्छे से फिर हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। पहले हम आंच को फुल करेंगे, फिर हम मीडियम रखेंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये पक गए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले मैंने इसकी आंच फुल रखी थी, ये देख सकते हो आप, इसकी आंच पहले हमें फुल रखनी है, फिर हमें मीडियम कर लेनी है इसकी आंच, जिससे कि हमारी यह आसाम से पक जाए। इसमें 10 मिनट इससे में हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। ठीक है, एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1.5 कटोरी चीनी, देख सकते हो, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी, गैस को ऑन करेंगे और मीडियम आंच पे रखेंगे।
पकने के लिए देंगे थोड़ी देर, से चीनी घुलने के लिए देंगे मीडियम आंच पर। फिर हम इसमें डालेंगे एक पिंच फूड कलर, येलो फूड कलर, अंगूरी पेठे अपने जो येलो कलर के बनाएंगे, ठीक है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद डालेंगे हम केसर के कुछ धागे, जिससे कि हमारा केसर आएगा पेठे में और हमारे पेठे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, लाजवाब बनेंगे। आप इसे ऐसे मिक्स करते रहिएगा थोड़ी देर, जब तक हमारी चीनी मिक्स ना हो जाए, ये ताकि इसे लगे ना कढ़ाई में नीचे, इसलिए आप इसे थोड़ी देर ऐसे चलाते रहिएगा जब तक चीनी मेल्ट ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखिएगा चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसकी, इसको हम मीडियम आंच पे ही इसको हम चाशनी को पकाएंगे। देख सकते इस तरह की हमें चाशनी रखनी है, हमें थोड़ी गाढ़ी चाशनी दी, ना तार बनाना है हमें, एक ना दो तार बनाने, हमें सिर्फ थोड़ी सी चाशनी को पकाना है अपने। ये देख सकते हो चाशनी को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, ये देख सकते हो आप इस तरह की लगेगी। और फिर उसके बाद हम गैस को सिम कर देंगे, बिल्कुल सिम कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपने पेठे डालेंगे जो हमने पानी से निकाल के बाहर रख दिए थे, वो हम इसमें डालेंगे सारे के सारे। और फिर इसके बाद हम इसे गैस पर फिर से पकाएंगे, इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए इसे ऐसे पकाएंगे हम मीडियम आंच पे, ताकि हमारा जो इसमें चाशनी है अच्छे से एक्सर्व हो जाए। और फिर देख सकते हो आप, ये देखिएगा अच्छे से एक्सर्व हो चुकी है और कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिएगा आप, इसमें चाशनी अच्छे से भर चुकी है, देखिएगा। और ये बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए देंगे। ये देखिएगा मेरे ठंडे हो चुके हैं, मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। आप देख सकते हो देखने में लग रहे हैं एकदम अंकुरी पेठा, लाजवाब, टेस्टी, यम्मी। और आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है अंगूरी पेठा की। ठीक है फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।